ओके, नेक्स्ट हम आज जो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है आपका रोडसेन 5, रोडसेन 10, रोडसेन 20, रोडसेन 40, रोडसेन F एंड रोडसेन FH। आज हम टोटल आपके 6 प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, रोडसेन 5, 10, 20, 40, रोडसेन F एंड रोडसेन FH। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रोडसेन 5 एंड 10 से। रोडसेन 5 जिसमें आपका जो ड्रग है रोजवास्टैटिन 5 mg है, इसकी जो पैकिंग है 10x10 ब्लिस्टर की पैकिंग है और MRP हमारे पास इसकी 59 पर स्ट्रिप है। नेक्स्ट है हमारे पास रोडसेन 10 जिसमें जो हमारी ड्रग है रोजवास्टैटिन 10 mg है, पैकिंग हमारे पास 10x10 आलू की पैकिंग है और MRP 82 पर स्ट्रिप है। ओके, नेक्स्ट है रोडसेन 20 एंड रोडसेन 40। रोडसेन 20 में हमारे पास जो ड्रग है रोजवास्टैटिन 20 mg है, पैकिंग हमारे पास इसकी 10x10 आलू की पैकिंग आती है और इसकी MRP 140 पर स्ट्रिप है। और नेक्स्ट है रोडसेन 40 जो कि हमारे पास रोजवास्टैटिन 40 mg है, इसकी पैकिंग हमारे पास आती है 10x10 आलू की पैकिंग है और MRP 380 पर स्ट्रिप है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रोजवास्टैटिन ड्रग क्या होती है, इसको हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो रोजवास्टैटिन आपकी लिपिड लोअरिंग ड्रग है या फिर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स बोल सकते हैं। ये स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग है। स्टैटिन में हमारे पास HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर एक क्लास है, उस कैटेगरी की ड्रग है। रोजवास्टैटिन को हम मोस्टली कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में हम इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक के केस में यूज़ करते हैं। हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या रहता है कि एक तरह से हम उसको हार्ट अटैक बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक जैसी कंडीशन रहती है जिसमें क्या होता है कि प्रॉपरली हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। ब्लड की सप्लाई ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, जिस वजह से आपकी जो कार्डियक मसल्स है उनकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम रहती है। तो इसकी जो इंडिकेशन है, फर्स्ट है तो हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन में यूज़ करते हैं जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स में फैट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, आपका ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम रहती है। सेकंड, इसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में फर्स्ट जो इंडिकेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, या स्ट्रोक के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रोजवास्टैटिन का जो फर्स्ट पेटेंट हुआ था वो 1991 में हुआ था। सेकंड, इसको अप्रूव किया गया था अगस्त 2003 में USFDA के थ्रू। USFDA ने अगस्त 2003 में रोजवास्टैटिन को अप्रूव किया था हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कंडीशन के लिए, जिसमें हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कंडीशन मतलब जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उन पेशेंट के ऊपर अगस्त 2003 में USFDA ने इसको अप्रूव करा था। नेक्स्ट है इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रोजवास्टैटिन किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में एक्ट करता है। जैसे कि रोजवास्टैटिन स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग है, स्टैटिन में हमारे पास HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर एक क्लास है, उस कैटेगरी की ड्रग है। तो आपके रोजवास्टैटिन का बॉडी में क्या काम रहता है, रोजवास्टैटिन एक तरह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि हाइपरकोलेस्ट्रीमिया कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो रोजवास्टैटिन उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, पर कैसे करता है, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करके। उसकी सिंथेसिस कैसे होती है कि जैसे कि पता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस लीवर में होती है, तो उसकी सिंथेसिस आपकी एसिटाइल कोलीन से स्टार्ट होती है। कि एसिटाइल कोलीन जब आपका HMG कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, HMG कोएंजाइम ए आपका मेवालोनेट में कन्वर्ट होता है। मेवालोनेट में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो एक एंजाइम के थ्रू होता है, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो उसके बाद जब मेवालोनेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद फर्दर सिंथेसिस होती है जिसमें आपका आइसोपेंटिनाइल पाइरोफॉस्फेट बनता है, लास्ट में स्क्वेलिन बनता है और लास्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो इसका जो टारगेट रहता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना। कैसे करेगा कि जब एसिटाइल कोलीन ए आपका HMG कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, HMG कोएंजाइम ए आपका मेवालोनेट बनाता है, मेवालोनेट
जब बनता है तो वो एक एंजाइम की हेल्प से बनता है। तो ये स्टैटिन जितनी भी ड्रग्स है स्टैटिन कैटेगरी की, ये क्या करेगी, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगी। जो एंजाइम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इस HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करके मेवलिनेट सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी। मेवलिनेट नहीं बनेगा तो आपका स्क्वालिन और कोलेस्ट्रॉल जैसी सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में अपने आप कम हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इसका जो मेन टारगेट रहता है, एक तो इसने LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करना है और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करना है। और साथ में रोजवास्टेटिन क्या करता है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है जो कि आपका HDL है। नेक्स्ट है डोजेज एंड स्ट्रेंथ। अगर हम इसकी डोजेज एंड स्ट्रेंथ की बात करें तो अडल्ट के केस में जो रोजवास्टेटिन की डोजेज है उसको हम 5 to 40 mg वंस अ डे देते हैं। एक दिन में हम 5 to 40 mg तक ड्रग दे सकते हैं। तो एडल्ट के केस में रोडसन 5 हम रिकमेंड कर सकते हैं, रोडसन 10 हो गया, रोडसन 20 एंड रोडसन 40 mg हम दे सकते हैं वंस अ डे, इसकी डोजिंग है। अगर हम चिल्ड्रन के केस में की बात करें तो चिल्ड्रन के केस में 10 टू 17 ईयर्स ऑफ एज तक हम 5 to 20 mg पर डे दे सकते हैं। अब चिल्ड्रन के केस में हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं रोडसन 5, रोडसन 10 और रोडसन 20 दे सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम डोजिंग इसकी 20 mg पर डे तक है चिल्ड्रन के केस में। अब चिल्ड्रन 8 to 9 ईयर्स ऑफ एज में हम जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे रोडसन 5 और रोडसन 10, इसमें जो मैक्सिमम डोजिंग रहती है 8 to 9 ईयर्स वाले एज में वो आपकी 10 mg पर डे रहती है। लास्ट जो हम प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे रोडसन एफ एंड रोडसन FH, रोडसन एफ एंड रोडसन FH आपका कॉम्बिनेशन है रोजवास्टेटिन विद फेनोफाइब्रेट। रोडसन एफ में आपका जो कॉम्बिनेशन है रोजवास्टेटिन 10 mg है और फेनोफाइब्रेट 160 mg है, और रोडसन FH में हमारा जो कॉम्बिनेशन आता है रोजवास्टेटिन 10 mg और फेनोफाइब्रेट 145 mg। आपका एफ में 160 mg फेनोफाइब्रेट है और आपका रोडसन FH में फेनोफाइब्रेट 145 mg है। जैसे रोडसन एफ है इसकी जो हमारे पास पैकिंग आती है 10x10 आलू की पैकिंग आती है और MRP 155 पर स्ट्रिप है। रोडसन FH सेम कॉम्पोजिशन है, रोजोस्टेटिन आपका 10 mg है लेकिन फिनोफाइब्रेट इसमें हमारे पास 145 mg है। पैकिंग हमारे पास इसमें आती है 10x10 आलू की पैकिंग है और MRP इसकी 140 पर स्ट्रिप है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रोजवास्टेटिन एंड फेनोफाइब्रेट कॉम्बिनेशन को हम किस केस में यूज करते हैं। रोजवास्टेटिन और फेनोफाइब्रेट कॉम्बिनेशन को हम एक तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए यूज करते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसको हम किस इंडिकेशन में यूज करते हैं, एक तो क्या करेगा हार्ट डिजीज के जितने भी रिस्क होंगे उनको कम करेगा, साथ में हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करेगा। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो आपका जो फेनोफाइब्रेट है प्लस रोजवास्टेटिन दोनों आपकी लिपिड लोअरिंग ड्रग्स है। फेनोफाइब्रेट दूसरे मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में एक्ट करेगा और रोजवास्टेटिन आपका अलग मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में एक्ट करेगा। रोजवास्टेटिन स्टेटिन कैटेगरी की ड्रग है, फेनोफाइब्रेट आपकी फाइब्रेट ड्रग है। दोनों आपके हार्ट के केस में यूज होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को से प्रिवेंट करती है, एक तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। पर कैसे, रोजवास्टेटिन HDL और आप HDL के लेवल को कम करती है और HDL के लेवल को इंक्रीज कर देती है। LDL मतलब एक तरह से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करेगी और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को इंक्रीज कर देगी। और फेनोफाइब्रेट आपका कैसे वर्क करता है, ये क्या करेगा ब्लड में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम कर देता है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है लेकिन इस दोनों कॉम्बिनेशन को हम लिपिड लोअरिंग मेडिसिन या फिर लिपिड लोअरिंग ड्रग लिपिड के केस में यूज कर सकते हैं जब ब्लड में आपका लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है।